रन भी, टोटल 6 रन भी बनने हैं यहाँ पर, जो कि पहली बार में 2 रन भी बना रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ आप सब मस्त हैं। और गाइस, फिर से आ चुके हैं हम एक न्यू ब्लॉग के साथ, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पार्ट 2। ये दिखाने के लिए आपको कितना कार्य पहुँचा है अभी अभी। तो पहले हम कुछ दिन पहले देखे गए थे, समथिंग 5-6 दिन पहले, तो उतना ही कार्य है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। देखो उधर की तरफ थोड़ा ये रनवे बढ़ा है वहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये सारा मतलब ये यहाँ से वहाँ तक ये थोड़ा मतलब, ये तो पहले ही ब्लॉग में दिखा चुका हूँ मैं। समतल था, यानी कि इकसार था, और ये थोड़ा ये करा है वहाँ से। अभी कर रहे हैं कार्य, बहुत ही गति के साथ चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। रात में बहुत ज़्यादा कार्य चलता है, क्योंकि दिन में तो धूल बट्टी उठती है, उसकी वजह से कार्य थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन दिन में स्लो रहता है, रात में अधिक तेज चलता है गाइस। और हमारे साथ हैं लोकेश पंडित, इनके साथ आए हुए हैं हम ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर। और देखो आप, ये वही है, ये सारी चीज़ वही मिलेगी आपको देखने के लिए, सेम सारी चीज़ वही है यहाँ से यहाँ तक। हाँ, कार्य चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये यहाँ से एक्वायर की मतलब इकसार की गई है ज़मीन, और कहीं कहीं पर ये जो आपके सामने मिट्टी के ढीले पड़े हुए हैं, ये थोड़ा इकसार करे हुए हैं कहीं पे। जैसे कि पहले यहाँ पर काफ़ी, पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, काफ़ी ऐसे जो मिट्टी के टीले लगे हुए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इकसार कर दिया। आगे एक बम्बा है, वो भी थोड़ा सही किया है गाइस। और ऐसे ही कार्य चलता रहेगा और हम आपके लिए ब्लॉग लाते रहेंगे, कितना कार्य पहुँचा है, कितना नहीं पहुँचा, आपको दिखाते रहेंगे, कितना कार्य प्रगति में है, कितना हो चुका है, कितना अधिक रह रहा है। अभी तो काफ़ी अधिक रह रहा है, लेकिन जल्द ही भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और ये है आपके, जो आप देख रहे हो, यही सारा एयरपोर्ट है यहाँ पर। मैं आपको बैक कैमरा कर, यही सारा सेम है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एरा ये बस, आगे जाएंगे हम, आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। अभी हम पिछली बार दिखाया था थोड़ा सा पीछे हमने, अब इस ब्लॉग में दिखा रहे हैं थोड़ा सा आगे, फिर तीसरे ब्लॉग में दिखाएंगे उससे आगे। उसके लिए पार्ट 3 देखना आप। और गाइस, जो भी मेरा भाई चैनल पर नया है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस देखो, ये अब जैसे जैसे रात होती रहेगी ना, यहाँ पर मशीन है, जैसे कि JCB है और ट्रक है आदि, हाइड्रा वाइड्रा जो भी है, वो सारे पीछे से आएंगे और यहाँ पर काफ़ी गति के साथ कार्य करेंगे। देखो अब आपने देख रहे होंगे कितनी गति के साथ कार्य चल रहा है। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो, तो ये है। और मिलते हैं गाइस, आप देखो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा हमें कुछ 3-4 साल के अंदर अपने नोएडा में। और बहुत ही अच्छा फील होता है हमें कि हाँ, हमारे यूपी में पहली बार कोई एयरपोर्ट बन रहा है, और गर्व होता है कि हाँ, इसमें हमारी ज़मीन भी एक्वायर हुई है और हमारे गांव वासियों की भी हुई है। तो गाइस देखो, जहाँ तक जाएंगे ना, उतना कम है यहाँ पे, बहुत ही अधिक मात्रा में कार्य चल रहा है, प्रगति में है। मैं आपको बैक कैमरा का गाइस, यहाँ पर ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू, बाय गाइस। गाइस ये था एयरपोर्ट का वर्क, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू टू।